12.8 फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो धारावाही चालक पर एक बल आरोपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। चित्र 12। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र आदि कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर बल के प्रभाव को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही चालक रखा होता है तो उस पर बल आरोपित होता है। उस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। चलिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझ लेते हैं। इसके लिए हमें बाएं हाथ की इन तीन उंगलियों की आवश्यकता होगी। ये है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। इसे हमें पहले इस प्रकार व्यवस्थित कर लेना है कि ये तीनों परस्पर लंबवत हो। अब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तब उस स्थिति में धारावाही चालक की जो दिशा होगी वो अंगूठे की दिशा में होती है। इस नियम को हम एक उपकरण की सहायता से अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ एक उपकरण है। यहाँ ये गोल चुंबक लगे हुए हैं और इन चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो लंबवत ऊपर की ओर है। इसके साथ ही यहाँ ये तांबे की दो तार है और इनसे एक विद्युत परिपथ बना हुआ है। इस तार को हमने ए और इसे बी नाम दिया हुआ है। हम धारा की जो दिशा है, विद्युत धारा की दिशा को बदलने के लिए यहाँ पर एक स्विच है। इस स्विच से हम धारा की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं और यहाँ पर विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए ये स्विच हमारे पास है। साथ ही ये तांबे की जो पाइप है, छोटी सी पाइप, इसे हम धारावाही चालक के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये धारावाही चालक को यहाँ रख दिया है। अब हम दिशाओं की बात कर लें तो देखिए, सबसे पहले ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हम कर रहे हैं, अभी हम इस स्विच की सहायता से इस विद्युत धारा की दिशा को ए से बी, यानी कि इस तार से इस तार की ओर, ये इसके लिए हम माध्यम का उपयोग कर रहे हैं इसका, इसकी सहायता से, तांबे के जो पाइप है उसकी सहायता से धारा की जो दिशा होगी वे ए से बी की ओर रख रहे हैं। तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस चालक पर जो बल लगना चाहिए वो कौन सी दिशा में लगना चाहिए? अंगूठे की दिशा में। चलिए करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये देखिए, तो जो चालक है वो इस दिशा में गति करने लगा क्योंकि इस पे इस दिशा में बल लग रहा है जो कि अंगूठे की दिशा है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ लागू हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, हम विद्युत धारा की दिशा को बदल कर देखते हैं। इसके लिए मैं इस उपकरण को थोड़ा इस प्रकार व्यवस्थित कर ले रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, इसे वापस से हमने इसी प्रकार रख दिया है और अब धारा की दिशा को बदलने के लिए इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम बी से ए की ओर रख रहे हैं। बी से ए की ओर रख लिया। अब देखिए, यहाँ पर पुनः दिशाओं की बात कर लें और यहाँ पर इसे रख लेते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर देखिए, वापस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत और धारा की दिशा हम किस तरफ कर रहे हैं? बी से ए की ओर। तब इस चालक को किस ओर गति करना चाहिए? कहाँ पर बल लगेगा, किस दिशा में बल लगेगा? ये अंगूठे की दिशा पर बल लगना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से धारा प्रवाहित करके देखें। ये देखिए, तो ये जो चालक है ये अंगूठे की दिशा में चलने लगा, यानी कि उस पर इस दिशा में बल लग रहा था। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर भी लागू हो रहा है। इस प्रकार हमने इस क्रियाकलाप के माध्यम से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अच्छी तरह से समझा। समझ आया ना आपको?